हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों को एक्चुअल में देखना क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब कंडक्टर से पास होंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी डिवाइस है यानी वो कंडक्टर क्या होगा, हीट अप होगा। और उस कंडक्टर के हीट अप होने से क्या होगा, उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और या फिर इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने करंट इन कंडक्टर्स देखा था और करंट इन कंडक्टर्स में हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और उन सिचुएशंस वो क्या करते हैं, वो बार बार कोलाइड होते हैं नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो कोलिजन की वजह से होता है कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ वहां पर थर्मल काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये हीट अप होते हैं। यानी एक्चुअल में इस प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होगा तो वो कंडक्टर क्या होगा, हीट अप होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं और या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोल रहे हैं। क्यों होता है ये हीटिंग, जब इलेक्ट्रॉन्स पास और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसमें, कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स किस साइड में जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते टाइम क्या होते हैं, कॉलिजन होता है उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और उन कॉलिजन की वजह से क्या होता है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी डेवलप होता है और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होते हैं, वो हीट अप होते हैं। यानी एक थर्मल काइनेटिक एनर्जी डेवलप होता है तो उस थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होते हैं, हीट अप होते हैं। यानी यहां पर इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग यहां पर देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इन सिचुएशंस को लेंगे। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या, उस पर आते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग देखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर when electric current is passed through a conductor, it becomes hot। यानी जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू पास कराएंगे तो वो कंडक्टर क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। एंड इट्स टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उस कंडक्टर का इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोल रहे हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या, हम लोगों ने यहां पर चेक किया। अब इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो किन किन डिवाइसेस में होते हैं, यानी द डिवाइस फॉलोज दिस प्रिंसिपल। जो डिवाइस इन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, टोस्टर एटसेट्रा। ये सारे डिवाइसेस हैं जो इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं।
किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? इस जूल्स ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर ये वर्क करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये इन सभी डिवाइसेज में क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से क्या होंगे, ये हीटअप होंगे। सेकंड, ये होते क्यों है, हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने इससे पहले चेक किया था करंट इन कंडक्टर में। तो करंट इन कंडक्टर में हम लोगों ने चेक किया था कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके इनसाइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही क्या होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट होने लग जाएंगे। और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होते टाइम क्या होगा कि इनके बीच में कोलिजन होगा और उस कोलिजन की वजह से क्या होगा, इनका थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। यानी हो क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में हीटिंग इफेक्ट में हो क्या है, हीटिंग इफेक्ट के प्रोसेस में हो क्या रहा है, यहां पर अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहां पर हीट एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे कि हीट एनर्जी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा हीट एनर्जी, इसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, हीट प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोग करेंगे क्या, सपोज कर लिया अपने पास कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमने आर ले लिया और इस रजिस्टर को हमने क्या कर रखा है, किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अटैच कर रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसकी अलोंग वी मान लेते हैं, ये वी पोटेंशियल ले लिया हमने और जो करंट फ्लो होगा इसको आई ले लेते हैं, ये आई करंट फ्लो होगा इस रजिस्टर के थ्रू, यानी करंट जो फ्लो है आई करंट फ्लो है। और सपोज कर लेते हैं ये टी टाइम में आई करंट फ्लो है, तो जब टी टाइम में आई करंट फ्लो है तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर आर इन टाइम टी, यानी टी टाइम में जो चार्ज फ्लो करेगा इस रजिस्टर के थ्रू, हम लोग उस चार्ज को निकाल लेते हैं। तो चार्ज हमें पता है, चार्ज Q इज इक्वल टू आई इन टू टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यानी करंट तो हमने पहले से ले लिया था कि किसी भी रजिस्टर के थ्रू अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो आई करंट फ्लो होगा, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रजिस्टर के थ्रू या कंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो होंगे तो क्या होगा, हीटअप होगा। तो हीटअप होगा तो उससे क्या होगा, उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोल रहे हैं। तो हमने क्या कर रखा था कि यहाँ पर करंट हमने किसी रजिस्टर के थ्रू फ्लो करा दिया तो ये रजिस्टर क्या होगा, हीटअप होगा। तो उसके थ्रू हमने चार्ज देख लिया कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो क्यू कसो आई टी चार्ज फ्लो हो रहा है। अब इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज अक्रॉस रजिस्टर आर, यानी जो डिक्रीज इन पोटेंशियल इस रजिस्टर के थ्रू उसको ले लेते हैं तो क्या जाएगा, वी इक्वल टू आई एन टू आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इसे लिख लेंगे, तो वी इक्वल टू आई आर। हम लोग पोटेंशियल डिक्रीज और इस रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिक्रीज भी निकाल लिया, हमने चार्ज भी निकाला। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस रजिस्टर, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस रजिस्टर, यानी इस रजिस्टर के अलोंग जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। और हमने देखा था पहले पोटेंशियल एनर्जी का एक तरह से वर्कडन ही है, और रिलेशन क्या है कि पोटेंशियल जो है ये वर्कडन पर यूनिट चार्ज है। तो वर्कडन अगर पोटेंशियल एनर्जी ले लें तो व्हाट इज वर्कडन, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यहां से क्या ले लेंगे, यू इज पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। पोटेंशियल हम लोगों ने निकालना था वी को सो आई आर, तो वी को सो आई आर पोटेंशियल है, यहाँ आई आर पुट कर देते हैं, ये पोटेंशियल आ गया और मल्टीप्लाइड बाई, और चार्ज की तरह आई टी है, यहां से आई टी रख लेते, आई टी पुट कर दिया, इसको और फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया आई स्क्वायर आर टी। अब जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी दिस डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू
हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी यहां से कितना जाएगा, हीट एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी दैट इज यू, और हीट एनर्जी थी तो पोटेंशियल एनर्जी थी, हीट एनर्जी को हम लोग एच से डिनोट करेंगे, तो हीट एनर्जी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहां से एच कितना आ गया, एच इज आई स्क्वायर आर टी। तो ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया, और इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तो दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इन हम लोगों ने किया क्या कि हीट प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी भी कंडक्टर या रेजिस्टर में किस तरह से हीट प्रोड्यूस होगा उसको हमने कैलकुलेट किया, उसका फॉर्मूला बनाया। उसके लिए हमने किया कि एक रेजिस्टर लिया, उस रेजिस्टर में हमने आई करंट फ्लो करा दिया, और आई करंट फ्लो कराएंगे तो रेजिस्टर क्या होगा, हीट अप होगा। तो टी टाइम में हमने क्या कर लिया, उसका चार्ज निकाल लिया कि टी टाइम में उस रेजिस्टर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो क्यू को आई टी हमने निकाल लिया। फिर डिक्रीज इन पोटेंशियल निकाल लिया, उसमें डिक्रीज इन पोटेंशियल क्या है, तो वी को आई डिक्रीज इन पोटेंशियल है, और फिर हमने उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हमने हीट के फॉर्म में स्टोर कराते हुए हीट एनर्जी भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, हमने लास्ट में भी बात किया था कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जो हमने हीट कैलकुलेट किया था एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को देखते हैं, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी हमने लास्ट में जो कैलकुलेट किया था कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस दैट इज एच, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और इन्हीं को कॉम्बाइन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बना सकते हैं। तो इसको हमने पहले प्रूव कर लिया था किस तरह से फॉर्मूला बनेगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करें या किसी भी डायरेक्शन से करंट को अगर हम लोग फ्लो कराए फिर भी क्या होगा, वो कंडक्टर या रजिस्टर क्या होगा, हीट अप होगा। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट अपने पास की एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, अगर अपने पास हीट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, तो उस केस में क्या होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉमन टू बोथ एसी एज वेल एज डीसी, ये एसी हो या डीसी हो, जो भी हम लोग डिवाइसेस लेते हैं उन डिवाइसेस को हम लोग एसी में भी वर्क करा सकते हैं, डीसी में भी वर्क करा सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो ये कॉमन है एसी या डीसी के लिए कॉमन है, क्योंकि एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर के। कुछ हमने फॉर्मूले यहाँ पर मेंशन किए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए जैसे हमने हीट एनर्जी लिया था, तो हीट एनर्जी क्या है, आई स्क्वायर आर टी। तो ये हीट एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमने इसको डिनोट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। और उन स्लो के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, अगर इस आई की जगह हम लोग क्या कर दे, वी बाई आर पुट कर दे, तो आई की जगह वी बाई आर पुट कर देंगे, तो वी बाई आर पुट करने के बाद ये फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। तो इसी को हमने वी बाई आई की जगह वी बाई आर पुट करके सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला बना लिया। ये फॉर्मूला बनाने के बाद उसके बाद क्या है, यहां से हमने क्या कर लिया, ये बना लिया, फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसको वी आई टी के फॉर्म में भी लीजिए, आर को अगर हम लोग पुट कर दें, तो आर अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आर को पुट कर दें, यहां से आर को रख लें, और आर क्या हो जाएगा अपने पास वी बाई आई, तो आर को अगर वी बाई आई पुट कर देंगे, और तो इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले होंगे अपने पास इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए, एक फॉर्मूला अपने पास आई स्क्वायर आर टी, दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और तीसरा वी आई टी। आई क्या है, करंट है, आर रेजिस्टेंस और टी टाइम है, यहाँ पर वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आर रेजिस्टेंस और टी टाइम है, यहाँ पर वी पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट है और टी टाइम है। तो इस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी का कैलकुलेशन कर। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is electric energy produced in resistor, electric energy produced in resistor per unit time, यानी ये electric energy per unit time है। electric power की बात करें तो what is electric power, इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम। इलेक्ट्रिक पावर को पी से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर ई से डिनोट करते हैं
और टाइम को अगर टी से डिनोट कर लें। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला लिखा था, तो उन फॉर्मूले के बेस पर फिर से मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। एक मैंने फॉर्मूला लिखा था आई स्क्वायर आर टी, एक लिखा था मैंने वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और ये नेक्स्ट जो फॉर्मूला था अपने पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो वी आई टी था। तो इन तीनों फॉर्मूले को अगर टाइम से डिवाइड करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम पावर है, तो इन तीनों फॉर्मूले को अगर हम लोग क्या करते हैं टाइम से डिवाइड कर देते हैं, हम लोग पावर के फॉर्मूले ले सकते हैं। तो पावर फर्स्ट अपने पास क्या है, पावर इज एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम है, तो पावर इज एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, और एनर्जी का फर्स्ट फॉर्मूला हमने ले रखा आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसिल, तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो पावर का एक फॉर्मूला हमने बना लिया आई स्क्वायर आर, ये एक पावर का फॉर्मूला। सिमिलरली हम लोग वी स्क्वायर बाई आर और टी से लेंगे, तो पावर इज ई बाई टी एंड ई इज वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसिल, तो ये वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर का जो नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया वो वी स्क्वायर बाई आर बना दिया हमने। तो ये दो फॉर्मूला अभी तक हम लोग पावर का बना चुके हैं। थर्ड फॉर्मूला हम लोग पावर का अगेन लेंगे, तो पावर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी बाई टाइम, और नेक्स्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है यहां पर ई इक्वल टू वी आई टी, तो वी आई टी पुट कर देते हैं ई की जगह, तो वी आई टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसिल, यहां से कितना आ जाएगा वी आई। तो यहां से जो पावर का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला हमने और बना लिया पी इज वी आई। तो जैसे हमने एनर्जी का फॉर्मूला बनाया था, तीन फॉर्मूला हमने एनर्जी का बनाया था, उसी तरह से हमने क्या कर लिया, तीन फॉर्मूले पावर के भी बना लिए। यानी एनर्जी वाले फॉर्मूले में से अगर टी को हटा दिया जाए, टाइम को अगर हम लोग रिमूव कर दें एनर्जी वाले फॉर्मूले से, तो वहां से हमें क्या हो जाएगा, पावर के तीन फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो पावर का तीन फॉर्मूला हम लोग बना चुके। अब अगर यूनिट की बात करें, तो द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल। जूल का जो ऐसा यूनिट होगा, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होगा वो जूल होगा, और पावर का जो होगा, एंड पावर इज वाट, पावर का जो होगा वाट होगा इलेक्ट्रिक, ये ऐसा यूनिट, और इसका जो होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो जूल होगा। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कैलोरी, तो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कैलोरी डिनोटेड बाय सीएएल, और वन कैलोरी जो है, वन कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, वन कैलोरी इज 4.2 जूल, एक्चुअल में 4.18 होता है, लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशन में 4.2 जूल लेंगे, तो वन कैलोरी 4.2 जूल। अगर हम लोग इसकी कमर्शियल यूनिट की बात करें, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं किलो वाट आवर, कमर्शियल यूनिट इज किलो वाट आवर, किलो वाट आवर, ये किलो वाट आवर इसका कमर्शियल यूनिट, और वन किलो वाट आवर जो है, वन किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, वन किलो वाट आवर इज 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। ये वाट है अपने पास आवर, यानी आवर को हम लोग क्या कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, किलो को हम लोग क्या कर देंगे 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट करने के बाद ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पावर के तीन फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर हमने चेक किया, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी का हमने सीजीएस के साथ साथ कमर्शियल यूनिट भी देखा। तो ये सारे हम लोग डिस्कशन यहाँ पर कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसके बाद हमें आइडिया लगेगा कि किस तरह से हम लोग इन फॉर्मूले। नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉब्लम चेक करते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस, और प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द पावर सप्लाइड बाई 10 वोल्ट बैटरी, फाइंड द पावर सप्लाइड बाई 10 वोल्ट बैटरी, दैट इज द पावर सप्लाइड बाई दिस 10 वोल्ट बैटरी। सेकेंड है द पावर कंज्यूम बाई 4 वोल्ट बैटरी, पावर कंज्यूम बाई 4 वोल्ट बैटरी, एंड द पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रजिस्टर, पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रजिस्टर। तो ये सर्किट है अपने पास, पहले चेक कर लेते हैं करंट का डायरेक्शन, यहां दे रखा है कि किस तरह से हमें करंट लेना है, इस तरह से ये करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट यहां पर 4 वोल्ट वाले बैटरी के थ्रू जो करंट जा रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इस पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे, -4 वोल्ट लेंगे। फिर सिमिलरली यहां पे जो है अपने पास ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इसको 10 वोल्ट लेंगे, ये प्लस का 10 वोल्ट होगा और वो माइनस का 4 वोल्ट होगा। यहां से हम लोग करंट निकाल लेते हैं, तो आई क्या हो जाएगा, आई इज ई नेट बाई आर नेट,
ई नेट बाई आर नेट यानी नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना है 10-4 और नेट रेजिस्टेंस कितना है 3, तो ये 6/3 ये 2 एम्पियर आ गया। तो जो करंट फ्लो हो रहा है यहां पर, ये करंट कितना है 2 एम्पियर का करंट है। इसी करंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पावर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ए पार्ट में पावर निकालते हैं, तो ए पार्ट में पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आई। तो पोटेंशियल कितना है ए पार्ट में 10 वोल्ट और करंट कितना हमने निकाल लिया 2 एम्पियर, तो 10 × 2 20 वाट का पावर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में जब हम लोग पावर निकालेंगे अगेन वी आई का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो वी आई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें वी कितना है 4 और करंट कितना है 2 एम्पियर, तो 4 × 2 = 8 वाट आ जाएगा, 8 वाट का पावर सेकेंड में आ जाएगा। और थर्ड में जब हम लोग निकालेंगे तो पावर कितना हो जाएगा I²R, तो I कितना अपने पास 2, तो 2 का होल स्क्वायर और R कितना है 3, ये कितना हो गया 4 × 3 दैट इज 12 वाट। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पावर का हमने दो तीन फॉर्मूले मेंशन कर रखा था, जैसे P = V²R, P = I²R और P = VI, ये तीन फॉर्मूले हैं अपने पास पावर के। तो हम लोगों ने और फॉर्मूले क्यों नहीं यूज किया जब अपने पास V और R दे रखा था। ये जो रेजिस्टर है अपने पास, ये रेजिस्टर सिर्फ एक के लोग नहीं लगा, इसलिए हम लोगों ने V²R का फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया। कहीं कि हम लोग अगर सपोज कर ले फर्स्ट वाले में P = V²R अगर अप्लाई करते, ये नहीं कि 10², हम लोग क्या कर देंगे 3 कर देंगे और यहां से निकालेंगे। इस प्रोसेस हमें क्या करना है, फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि अपने पास यहाँ पर दो दो पोटेंशियल है। अगर एक होता अपने पास एक ई सिंगल ईएमएफ होता तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब मल्टीपल ईएमएफ होंगे तो सभी के थ्रू पावर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर सीरीज में क्या है, करंट सेम है, तो करंट सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो I²R अप्लाई करेंगे या फिर VI अप्लाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वहां पर सोचेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द हीट प्रोड्यूस अक्रॉस ईच इन 2 सेकंड, टाइम 2 सेकंड दे रखा है, T = 2 सेकंड पर हमें क्या करना है, हीट प्रोड्यूस फाइंड आउट करना है। जितने भी रजिस्टर है उन सभी रजिस्टर्स के थ्रू हीट प्रोड्यूस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाले रजिस्टर सबसे पहले हम लोग क्या, अपने पास रजिस्टर्स में गिवन है R1, R2, R3 एंड R4, इन सभी रजिस्टर्स का हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकाल लेते हैं और जो करंट फ्लो होगा वो इस तरह से, यहाँ से करंट फ्लो होगा, इस करंट को I सपोज कर लेते हैं। तो I करंट अगर हम लोग सपोज कर लेंगे तो I फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये अपने पास पहले ये दोनों पैरेलल में है, तो ये R1 और इनके पैरेलल से एक रेजिस्टर बनेगा वो, और यहाँ R4, इन सभी को क्या करते हैं, तीनों को सीरीज में, यानी R1 प्लस यहाँ पे R2 और R3 क्या है, पैरेलल में है, तो R2 R3 / R2 प्लस R3 और फिर उसके साथ ये R4 सीरीज में आ जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, R1 अपने पास 3 है प्लस R2 R3 ये 6 और एक 3 है, 6 × 3 = 6 + 3 और R4 अपने पास 5 है, तो 3 प्लस ये हो जाएगा 18/9 प्लस 5 और ये हो जाएगा 3 प्लस और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 प्लस 5 तो ये 5 + 5 10 ओम आ गया। तो 10 ओम अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग 10 ओम फाइंड आउट कर चुके। तो इन सभी का इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, अब इक्विवेलेंट निकाल लिया तो यहां से आई निकाल लेते हैं कि आई नेट कितना है। तो आई नेट अपने पास क्या आ जाएगा, ई नेट बाई आर नेट, तो ई नेट बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ई नेट अपने पास एक ही ईएमएफ है 20 वोल्ट का, तो 20 / 10 इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 एम्पियर का करंट आ गया, यानी टोटल करंट जो आई है अपने, हमने जो इंडिकेट कर रखा है ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, यानी ये जो करंट अपने पास ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ से इस तरह से फ्लो होना शुरू हो गया, तो फर्स्ट रजिस्टर के पास जाएगा। तो फर्स्ट रजिस्टर का अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल जब इसका हम लोग निकालेंगे इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो करंट इज 2 एम रेजिस्टेंस इज 2 × 3 6 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया अपने पास फर्स्ट का V1 ले लेते। सेकंड का अगर हम लोग यहां से पोटेंशियल निकालें तो इस पोटेंशियल पहले इसका पोटेंशियल निकाल लेते, क्योंकि यहां से भी करंट क्या होगा, आई ही करंट होगा, तो आई करंट होगा यहां से, तो I = 2 एम्पियर का करंट होगा, तो V = I यहां से ले लेते हैं, तो V4 ये आपने क्या कर देंगे, यहां से पोटेंशियल इसके निकालते हैं V4 R4 का, तो 5 × 2 ये कितना गया 10 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया। तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल, अब टोटल पोटेंशियल अपने पास कितना है,
तो टोटल पोटेंशियल अपने पास 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट में से 6 वोल्ट तो पोटेंशियल इसके पास है, 10 वोल्ट पोटेंशियल इसके पास है, तो 10 प्लस 6 16 वोल्ट का पोटेंशियल इनके पास है, तो जो बच गया पोटेंशियल यानी 4 वोल्ट का पोटेंशियल किसके पास है, इनके पास है, और ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो इसका भी पोटेंशियल 4 वोल्ट और इसका भी पोटेंशियल क्या है, 4 वोल्ट। तो हम लोगों ने नेट करंट फाइंड आउट कर लिया, और नेट करंट जो है 2 एम्पीयर का नेट करंट इस सर्किट से फ्लो हो रहा है, और ये 2 एम्पीयर का नेट करंट इस तरह से यहां तक जाएगा, फिर ये करंट यहां से डिवाइड हो जाएगा, फिर आगे से ये 2 एम्पीयर का ही करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं, जितने भी अपने पास सभी का पोटेंशियल निकाल चुके हैं, अब हम लोग 1 by 1 करके हीट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हीट फर्स्ट R1 के थ्रू निकालेंगे, और हीट के लिए हम लोग फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, V²/RT भी लगा सकते हैं, I²/RT लगा सकते हैं, या V²/R×T भी लगा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर VIT से लगाते हैं, VIT। तो पोटेंशियल फर्स्ट वाले के R1 के थ्रू पोटेंशियल अपने पास 6 वोल्ट है, करंट जो इसमें फाइंड आउट फ्लो हो रहा है ये 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, और टाइम जो है 2 सेकंड के लिए है, यहां से 6 × 12 = 24 जूल का हीट एनर्जी होगा फर्स्ट के थ्रू। सिमिलरली हम लोग S2 निकालेंगे सेकंड के थ्रू, तो यहाँ पर सेकंड के थ्रू फ्री से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर V²/R×T फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल है और रेजिस्टेंस है, हमें यहाँ पर हमें करंट निकालना पड़ेगा, तो करंट ना करके V²/R×T वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से V²/R×T तो V अपने पास कितना 4 वोल्ट, तो 4 × 4 V² हो गया, और टाइम अपने पास 2 है, और रेजिस्टेंस इसका कितना है 6 है, 2×1 तो 2×3 = 6, तो ये 16/3 जूल आ गया। अब H3 निकाल लेते हैं, तो H3 के लिए फिर से V²/R×T का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, और V कितना है 4 ही है, तो 4 × 4 और टाइम 2 है, और इसका रेजिस्टेंस अपने पास कितना है 3 है, ये आ जाएगा 16/32/3 जूल। फिर हम लोग H4 निकालेंगे R4 के अलोंग, तो R4 के अलोंग हम लोग निकालेंगे, इसका पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं, इसका पोटेंशियल अपने पास कितना है 10 है, यहाँ VIT फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो पोटेंशियल 10 है, करंट 2 एम्पियर है, और टाइम 2 सेकेंड है, तो 10 × 2 = 22 = 40 जूल का यहाँ पे अपने पास हीट एनर्जी आ जाएगा। तो सभी हीट एनर्जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे हम लोग, और इस क्वेश्चन में पहले सर्किट देख लेते हैं क्या है। ये सर्किट है अपने पास, और इस सर्किट में अपने पास एक तो 12 वोल्ट का EMF दे रखा है, एक E दे रखा है, और एक 3 ओम का रेजिस्टर है। 12 वोल्ट के EMF का जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो स्मॉल आ रहा है, E जो EMF उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और ये अपने पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, जैसे करंट इस साइड से आ रहा है, तो इसमें करंट इस साइड से 2 एम्पियर का आ रहा है, और इस साइड से ये 1 एम्पियर है। इसका मीनिंग क्या है कि इस साइड से जो करंट है, यहां से जो करंट है, वो करंट का डायरेक्शन एक्चुअल में इस साइड में होगा, क्योंकि यही करंट आकर यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे करंट अपने पास रिवर्स ऑर्डर में दिखाया गया है। तो ये जो आई करंट होगा, आई करंट यहां से हम लोग लेना चाहे तो आई करंट 2+1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और अगर इस आई की बात करें तो फिर इसको -3 लेना होगा, क्योंकि यही 3 एम्पीयर का करंट क्या होगा, आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें फाइंड आउट क्या करना है। एक तो हमें आई फाइंड आउट करना है, आई तो हम लोग अभी फाइंड आउट कर चुके, 3 एम्पीयर का करंट है, डायरेक्शन को रिवर्स करना होगा हमें, तो ये 3 एम्पीयर का करंट अपने पास आई है, क्योंकि हम ये करंट हमने डायरेक्शन अगर इस साइड लिया तो इनकमिंग करंट जो है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होंगे। हम लोग KCL लगा करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस करंट को लेंगे तो वो -3 होगा, और अगर हम लोग डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 3 एम्पीयर होगा। एक्चुअल में जो आई फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग इसको भी हटाते हैं और इस डायरेक्शन में हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। तो हम लोग आई फाइंड आउट कर चुके, अब हमें एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की EMF निकाल, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से 2 लूप बनाते हैं, एक तो लूप 1 इसे ले लेते हैं, एक लूप 2 इसे ले लेते हैं, और लूप 1 में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से जैसे करंट जा रहा है इस तरह से हम लोग करंट के डायरेक्शन को ले लेंगे, और लूप 2 में हम लोग इस तरह से करंट के डायरेक्शन को ले लेते हैं। तो इस तरह से जो ये करंट फ्लो हो रहा है लूप 1 में और ये लूप 2 में, तो लूप 1 का इक्वेशन लिखते हैं पहले KVL के बेसिस पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, लूप 1 का इक्वेशन लिखेंगे। तो इन लूप 1, तो लूप 1 में सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कितने EMF है। तो लूप 1 में अपने पास 2 EMF है, एक तो E है और एक अपने पास 12 वोल्ट है, और दोनों में जो करंट है वो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। जैसे यहां से ये करंट गया, यहां पर माइनस से प्लस की तरफ इंटर किया, फिर इस तरह जाएगा, यहां भी माइनस से प्लस की तरफ इंटर करेगा, इस तरह से आएगा। तो सभी EMF को हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो ये कितना जाएगा, ये ई और प्लस 12 वोल्ट, ई प्लस 12 वोल्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ई प्लस 12 वोल्ट ले लिया इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस लेने वाले, तो करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, 1 एम्पीयर का करंट है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1 × 1, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फिर इसके बाद हम लोग इस साइड से चलेंगे, और इसमें जो करंट अपने पास ये 3 एम्पीयर का करंट है, तो 3 × R हो जाएगा, तो 3 प्लस
3 मल्टीप्लाई बाई आर, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो फर्स्ट लूप का हम लोग इक्वेशन लिख चुके हैं, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे सेकंड लूप का इक्वेशन लिखेंगे, तो इन लूप 2। तो लूप 2 में फिर से हम लोग चेक करेंगे कि कितने ईएमएफ है, तो लूप 2 में अगर हम लोग चेक करें यहां से तो एक ही ईएमएफ है जो कि ई के इक्वल है, तो एक साइड में ई हम लोग ले लेते हैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ई ले लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, तो यहां से जब चलेंगे तो रेजिस्टेंस कितने अपने पास, दो रेजिस्टेंस है, एक तो ये है जिसका पोटेंशियल 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 पोटेंशियल हो गया इसका। और फिर हम लोग आगे आएंगे, तीसरे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हम लोग करंट के रिवर्स डायरेक्शन जा रहे हैं, करंट एक्चुअल में इस साइड से आ रहा है, हम लोग इस साइड में जा रहे हैं, यहाँ पर माइनस लिखना होगा, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पोटेंशियल बनेगा यहाँ, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा 2 प्लस 3 आर सॉरी 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, ई प्लस 12, ये तो इक्वेशन 1 था, और ये कितना हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5। तो ई हम लोग निकाल चुके हैं यहां से, ई कितना आ गया, ई इज माइनस 5 वोल्ट, तो ई इज माइनस 5 वोल्ट, ये निकाल चुके माइनस 5 वोल्ट। इसी को अगर ई को यहां पुट कर दे तो आर भी निकाल सकते हैं यहां से, सेकंड इक्वेशन यानी ई पुट कर दे तो ई की ई प्लस 12 और इक्वल टू 1 प्लस 3 आर, तो ये माइनस 5 प्लस 12 इक्वल टू 1 प्लस 3 आर, और यहां से अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा 7 माइनस 1, इस 1 को इस साइड ले आए, ये 7 माइनस 1 इक्वल टू 3 आर, ये 6 इज इक्वल टू 3 आर, यहां से आर आ जाएगा 6 बाई 3 दैट इज 2 ओम। तो आर भी हम लोग निकाल चुके हैं, 2 ओम आ गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया 2 ओम। तो ये तीन प्रॉब्लम हम लोग फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। आई जो फर्स्ट पार्ट का आंसर 3 एम्पियर है, सेकंड पार्ट का आंसर 2 ओम है, और थर्ड पार्ट का आंसर अपने पास माइनस का 5 वोल्ट है, तो ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर डिसिपेटेड बाई 12 वोल्ट बैटरी, तो 12 वोल्ट बैटरी के थ्रू पावर हमें निकालना है, पावर थ्रू 12 वोल्ट बैटरी, तो पावर के लिए क्या कर लेते हैं, इक्वल टू वी आई, तो पावर के लिए वी आई ले लेते हैं, तो 12 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल तो 12 ही, और करंट कितना पास हो रहा है 12 वोल्ट बैटरी के थ्रू, इसके थ्रू करंट कितना था, तो 3 एम्पीयर का करंट यहां से पास हो रहा था, ये 3 एम्पीयर का करंट क्या था 12 वोल्ट बैटरी के थ्रू, यहां से 3 ले लेंगे तो कितना गया 36 वाट का पावर हो जाएगा इसका। सेकंड जो हमें फाइंड आउट करना है इसी में, पावर डिसिपेटेड थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, 3 ओम रेजिस्टर के थ्रू पावर निकालना है, तो पावर यानी 3 ओम रेजिस्टर के थ्रू पावर, इसके थ्रू करंट कितना है 2 एम्पीयर का करंट है, तो आई स्क्वायर आर लगा लेते हैं इसके लिए, आई स्क्वायर आर, तो आई कितना आपके पास 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आई स्क्वायर हो गया, आर 3 है तो कितना जाएगा 4 3 या 12, तो 12 वाट का पावर आ जाएगा थ्रू 3 ओम। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सारे पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो 1 बाय 1 सारे नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टू वायर्स ऑफ सेम मास, टू वायर्स ऑफ सेम मास हैविंग रेशियो ऑफ लेंथ 1:2, हैविंग रेशियो ऑफ लेंथ 1:2, डेंसिटी 1:3 एंड रेजिस्टिविटी 2:1, दोनों का मास के सेम है, तो टू वायर्स है अपने पास, टू वायर्स अगर दोनों का मास सेम है तो एक का एम वन दूसरे का एम टू ले लेते हैं, तो एम वन एम टू के इक्वल और इसको एम के इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट है अपने पास, फर्स्ट का अगर लेंथ हम लोग एल वन ले लें, सेकंड का लेंथ एल टू ले लें, यहां पर एल वन बाई एल टू जो है वो 1:2 है, तो एल वन बाई एल टू ये कितने है 1:2। नेक्स्ट अपने पास डेंसिटी को अगर डी वन डी टू ले लेते हैं, तो डी वन बाई डी टू कितना हो जाएगा, यहाँ डी वन बाई डी टू इज 1:3, और रेजिस्टिविटी को अगर रो वन बाई रो टू ले लेते हैं, तो रो वन बाई रो टू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2:1। तो ये हम लोग रिजल्ट्स देख चुके हैं, और इन्हीं रिजल्ट्स के बेसिस पर हम लोग और आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि लेंथ का रेशियो अपने पास 1:2 है, डेंसिटी का रेशियो 1:3 और रेजिस्टिविटी का रेशियो 2:1 है। हम लोग क्या करेंगे यहां पर, हमें पता है कि एज डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी को हम लोग मास बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। यहां से अगर हम लोग मास निकाले तो व्हाट इज मास, तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, और मास को हम लोगों ने क्या लिखा, एम लिखा, और दोनों का मास क्या है सेम है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते, दोनों का मास सेम है, इसको एम वन अगर लिखना चाहे तो एम वन लिख लेंगे, एम वन इक्वल टू, तो डेंसिटी फर्स्ट वाले का डेंसिटी कितना है डी वन हमने ले रखा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को हम लोग एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ले सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो एरिया अगर हम लोग ए वन ले लें और लेंथ फर्स्ट वाले का एल वन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते। सिमिलरली जब हम लोग एम टू निकालेंगे, सेकंड वाले का मास निकालेंगे, तो इसका डेंसिटी डी टू
एरिया ए टू और लेंथ क्या कर लेते हैं एल टू ले लेते हैं और दोनों इक्वेशन टू ले लेते हैं। अब यहां पर अपने पास दोनों का मास सेम है तो एम वन को एम टू के इक्वल कर देते हैं यहां से और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो एम वन इक्वल टू एम टू जब करेंगे यहां से देयरफॉर एम वन इक्वल टू एम टू तो यहां से हमें क्या मिलेगा डी वन ए वन एल वन डी वन ए वन एल वन इक्वल टू डी टू ए टू एल टू। यहां से हम लोग क्या करते हैं एरिया का रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो ए वन बाई ए टू ए वन बाई ए टू इक्वल टू यह जाएगा डी टू एल टू बाई डी वन एल वन। अब अपने पास कितना है एल वन बाई एल टू वन बाई टू है तो यहां एल टू बाई एल वन है एल टू बाई एल वन क्या आ जाएगा टू और डी वन बाई डी टू अपने पास कितना वन बाई थ्री है तो डी टू बाई डी वन कितना आ जाएगा थ्री तो ये आ गया सिक्स। इन एरिया का रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि ए वन बाई ए टू जो है वो ए वन बाई ए टू किसके इक्वल है तो ए वन बाई ए टू सिक्स के इक्वल है तो एरिया का रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं इसे अभी यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं यहां से रेजिस्टेंस निकाल ले कि दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा तो व्हाट इज आर वन बाई आर टू तो रेजिस्टेंस क्या होता है रो एल बाई ए तो रो वन एल वन बाई ए वन और इसी तरह से क्या कर लेंगे यहां से लेंगे तो ये ए टू बाई रो टू एल टू तो यहां से क्या हो जाएगा रो वन बाई रो टू इंटू एल वन बाई एल टू इंटू ए टू बाई ए वन। अब इनका वैल्यूज पुट करते हैं तो आर वन बाई आर टू यहां से निकल जाएगा तो आर वन बाई आर टू इक्वल टू तो यहां से रो वन बाई रो टू तो रोन बाई रो टू अपने पास कितना है टू रोन बाई रो टू इज टू एल वन बाई एल टू इज वन बाई टू एंड इवन एल वन बाई एल टू इज वन बाई टू एंड ए टू बाई ए वन तो ए टू बाई ए वन इज वन बाई सिक्स यहां से ए वन बाई ए टू सिक्स है तो ए टू बाई ए वन क्या हो जाएगा वन बाई सिक्स। तो इसको सोल्व करते टू से टू कैंसिल यहां से वट इज आर वन बाई आर टू तो आर वन बाई आर टू इज वन बाई सिक्स तो आर वन बाई आर टू भी हम लोग निकाल चुके हैं वन बाई सिक्स के इक्वल होगा इसका भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा अभी सॉल्व करेंगे। अब हमें निकालना क्या है द रेट ऑफ हीट इस इक्वेशन इन फर्स्ट वायर इज 10 वाट 10 वाट का है यानी इसको पी वन ले लेते हैं और हमें क्या करना है सेकंड वायर का हीट फाइंड आउट करना है कि सेकंड वायर का हीट कितना होगा तो रेट ऑफ हीट है यानी रेट ऑफ हीट क्या है ये पावर है तो फर्स्ट वाले का पावर 10 वाट है सेकंड वाले का पावर क्या कर लेते हैं पी टू मान लेते हैं तो सेकंड वाले का पावर अगर पी टू ले लेंगे तो हमें पी टू फाइंड आउट करना है पी वन की वैल्यू तब यहां से क्या कर लेते हैं पी वन बाई पी टू निकालते हैं तो पी वन बाई पी टू क्या कर लेंगे वी स्क्वायर बाई आर वन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बाई आर टू तो वी स्क्वायर बाई आर वन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बाई आर टू तो यहां से क्या हो जाएगा यहां से वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये आर टू बाई आर वन हो जाएगा और आर टू बाई आर वन हो जाएगा अपने पास तो ये आर टू बाई आर वन कितने हैं आर टू बाई आर वन अपने पास वन बाई सिक्स है आर टू ये सॉरी आर वन बाई आर टू है ये तो आर टू बाई आर वन सिक्स हो जाएगा तो ये आर टू बाई आर वन सिक्स आ गया यानी पी वन बाई पी टू कितना आ गया पी वन बाई पी टू इज सिक्स तो बट इज पी टू इज पी वन बाई सिक्स पी वन कितना है अपने पास गिवन है पी वन 10 वाट है तो पी वन की जगह 10 वाट पुट कर देते हैं डिवाइडेड बाई सिक्स ये कितना आ जाएगा फाइव बाई थ्री वाट यहां से हम लोग निकाल चुके हैं ये आंसर आ गया अपना फाइनली यानी P2 हम लोग निकाल चुके हैं ये 5 बाई थ्री वाट के इक्वल है। तो इस रेशन ने सॉल्व कर लिया फर्स्ट हमने क्या कर लिया दोनों का मास इक्वल कर दिया डेंसिटी को मास बाई वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से पुट करके फिर हमने वॉल्यूम का एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर लिया यहां से हम लोगों ने क्या कर लिया एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर लिया एरिया का रेशियो फाइंड आउट करने के बाद हमने रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लिया रॉयल बाई ए और वहां से हमने क्या कर लिया फिर रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट किया और रेजिस्टेंस और एरिया का जब रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर चुके फिर हम लोगों ने पावर का फॉर्मूला लगा लिया वॉल्यूम में तो ये पैरेलल में तो वी स्क्वायर बाई आर वन वी स्क्वायर बाई आर टू और यहां से वी स्क्वायर से कैंसिल होगा तो फिर आर वन बाई आर टू हम लोग यहां से पुट कर सकते हैं और उसके बाद एक अपने पास गिवन था पी वन और पी टू हम लोगों ने क्या कर लिया यहां से फाइंड आउट कर लिया तो फाइनली आंसर अपने को कितना मिलेगा फाइव बाई